महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आपने लव मैरिज के मामले में तो कई बार ये शीर्षक सुना होगा जो शीर्षक हमने लिखा है आज, ऐसा रिश्ता न मिलेगा दोबारा। जी हां साथियों, जो युवा, चाहे वो लड़का है या फिर वो लड़की है, उसको यदि कोई पसंद आ गया है तो वो अपने माता पिता से बार बार अपनी बात मनवाने के लिए इस शब्द का जरूर सहारा लेता है या सहारा लेती है कि डैडी या मम्मी, ऐसा रिश्ता ना मिलेगा दोबारा। क्योंकि अभी उसकी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई है, उसको केवल वर्तमान नजर आ रहा है, भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इस बात से तो आप इत्तेफाक रखते ही हैं, पर क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कई बार माता पिता भी ये गलती कर देते हैं, या मैं कहूं कि इससे भी आगे बढ़कर के गलती करते हैं और बच्चे को ये मजबूर कर देते हैं कि बेटा ये जो रिश्ता हमने चुना है, ऐसा रिश्ता ना मिलेगा दोबारा। अब इसका कारण क्या होता है? मेरे पास में लगातार इस प्रकार की स्थितियां लेकर के लोग आते रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जानबूझ करके किसी भी गर्त में धक्का नहीं देगा, परंतु गलती कहां पर होती है, उसी को लेकर के मैं आज ये एपिसोड आपके पास लेकर के आया हूं। जब भी आपको कोई चीज बहुत आकर्षित लगे, ऐसा लगने लगे कि ये नहीं पाया तो जीवन में बिल्कुल हर चीज व्यर्थ हो जाएगी, तब आप रुकिए और दोबारा सोचिए कि कहीं आप किसी चक्रव्यूह में फंसने तो नहीं जा रहे। ऐसे माता पिता जो लंबे समय से अपनी बच्ची के लिए कोई श्रेष्ठ वर की तलाश कर रहे हैं और अचानक से उनको ऐसा रिश्ता मिल जाए जो कि उनकी बिरादरी का हो, बहुत पैसे वाला हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, देखने में भी लड़का खूबसूरत हो, तब ये जायज है। और फिर कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई विद्वान यदि उन दोनों की कुंडली देख करके ये कह दे कि इन दोनों का तो रिश्ता जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बना है, अगर ये शादी नहीं करोगे तो गलती करोगे, पूरे के पूरे गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, तब फिर वो जो पिता है, बेहद जायज बात है कि वो अपनी बात को और भी प्रभावी ढंग से कहता है। ऐसा ही एक केस मेरे पास में आया और ये सच्चाई है, इसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट, कोई कल्पना नहीं है। ऐसे ही एक पिता जो कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और जब मैंने उन दोनों की कुंडली देख करके ये कहा कि महाशय, मैं अपनी तरफ से हरी झंडी नहीं दूंगा, तो वो एकदम से गुस्सा हो गए। कहने लगे, आचार्य जी, जो सामने वाला पक्ष है, उनके पंडित जी ने तो 32 प्लस गुण मिला दिए हैं और आप कह रहे हैं कि कुंडली की आप इजाजत नहीं देते, विवाह की आप इजाजत नहीं देते, कुंडलियां मिल नहीं रही है। नाराज से हो गए वो, क्योंकि उन्होंने जो सपने संजो लिए थे उस पर मैंने एक प्रकार से पानी डाल दिया। ऐसा क्यों किया साथियों, इस पर मैं चर्चा करूं। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर जरूर आपको लिख करके भेजना है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान की, किसी ऐसे रिश्ते की जिसको देख करके ऐसा लगे कि ऐसा रिश्ता ना मिलेगा दोबारा। बहुत सारे ऐसी चीजें आपको नजर आएगी, आपको लगेगा कि ये तो मुझे विवाह कर ही लेना चाहिए, तब आपको सोचना है दोबारा।
साथियों कारण क्या है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। आज सात ऐसी स्थितियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि जो भी आपके पास में रिश्ता आया है उसको देख करके, उसकी कुंडली देख करके आप स्वयं बिना किसी विद्वान के सहारे के ये डिसीजन ले सकते हो, ये निर्णय ले सकते हो कि क्या आपका बच्चा या आपकी बच्ची उसके साथ में सुखद ढंग से रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। साथियों ज्योतिष में कुछ ऐसे योग होते हैं जो आकर्षण का कारण बनते हैं। यदि वो किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में है तो वो लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। इस प्रकार से आकर्षित करता है कि ऐसा लगता है कि ये ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिष की भाषा में मैं कहूं तो यदि किसी की जन्म पत्रिका में सप्तमेश और द्वादशेश इन दोनों की युति 12th हाउस में जाकर के हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का विवाह शीघ्र होता है, और शीघ्र होने के बाद में वो कुंडली ठीक से यदि नहीं मिलती है तो वो अपने जीवन साथी पर अत्याचार भी करता है और उसको छोड़ता भी नहीं, आप चाहते हुए भी फिर तलाक नहीं ले पाते। जिन महाशय की मैं आपको अभी बात कर रहा था जो कि सच्ची घटना है, वो नाराज तो हो गए, फिर वो दोबारा अभी कुछ दिनों पहले वापस मेरे पास आए थे। कहने लगे कि आचार्य जी आपने बिल्कुल सत्य कहा था, शादी को अभी केवल 7 माह बीते हैं और तलाक की नौबत आ चुकी है, बिटिया मेरे घर पर है। सारी जो लिस्ट उन्होंने बनाई थी अपने पक्ष में वो सारी की सारी बातें निरस्त हो गई। तो आइए साथियों बिना किसी देरी किए 7 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करें जो आपको बेहद गंभीरता से देखने हैं अपने बच्चे या बच्ची की जन्म पत्रिका मिलान के समय, सामने वाले की जन्म पत्रिका में यदि आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा रिश्ता न मिलेगा दोबारा। साथियों ये एक खाली जन्म पत्रिका हमने उदाहरण के रूप में रखी है। अब एक एक करके मैं यहां पर 7 स्थितियों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि आपको सामने वाले की जन्म पत्रिका में देखनी है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप शादी मैरिज का भाव है यदि 10 नंबर का अंक लिखा है और साथ ही 12th हाउस में शनि और बुध इन दोनों की युति है, ऐसा व्यक्ति जो है इसकी कुंडली जहां पर भी जाएगी सामने वाले को लगेगा कि बस बहुत जल्दी इससे विवाह कर लिया जाए, पर ये विवाह के बाद में झूठे इल्जाम लगा करके अपने जीवन साथी को अपमानित करने का कार्य करता है, ना उसको छोड़ता है ना उसको सुखी रखता है। अच्छा ये दोनों पर ही लागू है, ये जो स्थितियां बतला रहा हूं ये स्त्री की कुंडली पर भी लागू है, पुरुष की कुंडली पर भी लागू है। साथियों अगली और दूसरी स्थिति जो है वो ये है कि यदि सप्तम भाव में 11 नंबर का अंक लिखा है और 12th हाउस में शनि और चंद्रमा इन दोनों की यदि युति है तो सप्तमेश और द्वादशेश की युति यहां पर हो गई, ऐसा व्यक्ति एक ही गलती एक ही अत्याचार बार बार अपने जीवन साथी पर करता है और उसके रूठ जाने पर हर बार माफी मांग लेता है, झूठे आंसू बहा देता है और फिर से कुछ दिनों बाद वही अत्याचार वही गलती प्रारंभ कर देता है और उसके जीवन को नर्क बनाने का कार्य। साथियों तीसरी स्थिति, यदि सप्तम भाव में 12 नंबर का अंक मीन राशि यदि है और साथ ही 12th हाउस में गुरु और शुक्र की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा अत्याचार है वो फिजिकल नहीं इमोशनल अत्याचार करने में माहिर होता है। किसी भी शुभ किसी भी मंगल कार्य के दिन वो जीवन साथी को अपमानित तो जरूर करता है, उसको नीचा दिखाने का कार्य जरूर करता है और उसको भावनात्मक घाव पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इनसे दूर रहें। अगली स्थिति साथियों, यदि सप्तम भाव में 1 नंबर का अंक लिखा है और 12th हाउस में मंगल और बुध इन दोनों की यदि युति हो तो ऐसा व्यक्ति उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो जीवन साथी है ये टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, ये अत्याचार करने के लिए नहीं अत्याचार सहन करने के लिए बना है, उस पर अत्याचार करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। तोहफा बहुत दूर की बात रही, इज्जत
जिम्मेदारी बहुत दूर की बात रही उसमें ये समझता ही नहीं है, और वही स्थिति न तलाक न सुखपूर्वक जीवन। साथियों अगली स्थिति, यदि इस सप्तम भाव में 3 नंबर का अंक यदि लिखा है और साथ ही 12th हाउस में बुध और मंगल इन दोनों की यदि युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में, उसको छुपाने में और उसको आगे चलाने में बहुत माहिर होता है, और जब इसके जीवन साथी को पता लगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी वो बच्चों का सोच करके, कभी समाज का सोच करके उस रिश्ते को केवल घसीटते रहते हैं और जीवन साथी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इनसे दूर रहे। साथियों अगली स्थिति, यदि सप्तम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है और 12th हाउस में सूर्य और शनि इन दोनों की युति हो जाए, तो विवाह के समय इन्होंने जो जो भी वादे किए थे, जो जो भी दावे किए थे, वो सारे उलट हो जाते हैं। विवाह के बाद में ही इनके बारे में सारी हकीकत पता लगती है, जैसा इन्होंने बताया था अपने स्वयं के बारे में, परिवार के बारे में, व्यापार के बारे में, वो सारी चीजें उल्टी पड़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उससे बहुत बुरी स्थिति होती है, इसलिए इनसे दूर रहने की सलाह मैं आपको देता हूं। साथियों अंतिम स्थिति जो है वो ये है कि यदि सप्तम भाव में 6 नंबर का अंक यदि लिखा है और 12th हाउस में बुध और शनि इन दोनों की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन साथी पर अत्याचार तो करता ही है, इस व्यक्ति का साथ इस अत्याचार में इसका पूरा परिवार देता है। वो मानेंगे ही नहीं कि आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो ये कहेंगे कि आप उल्टा इनको परेशान कर रहे हैं। साथियों ये जो 7 स्थितियां हमने बतलाई है, ये ल्योर करने वाली, आकर्षित करने वाली स्थिति है। ऐसी स्थितियां पैदा कर देगी कि आपको लगने लगेगा एक माया जाल की तरह कि बस इससे विवाह नहीं किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती। ये लव मैरिज पर भी लागू है बात, और ये अरेंज मैरिज पर भी लागू है। साथियों इस प्रकार के गहरे शोध करने का बहुत ही विशुद्ध उद्देश्य है कि आप लोगों को ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े जैसा कि ये गलती करने वाले लोगों को करना पड़ता है। तो आइए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चेतना शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है करनाल से। चेतना जी आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, क्या आप एक IAS अधिकारी बनेंगी। निश्चित तौर पर चेतना जी, आपकी जन्म पत्रिका में लाभेश है सूर्य और स्वयं वो कर्म स्थान पर आकर के बैठे हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार जुलाई 2022 का जरूर करना है, मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। प्रत्येक सोमवार जब मंदिर खुल जाए तब शिव जी पर आपको जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। साथियों अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज हमने चर्चा की बहुत ही हट के एक बात की कि कब व्यक्ति को ऐसा लगता है, स्वयं को या हो सकता है माता पिता को ऐसा लगे कि ये जो रिश्ता आया है ऐसा रिश्ता अब दोबारा नहीं मिलने वाला, और फिर वो एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। आज के एपिसोड में हमने कितने बिंदुओं पर डिस्कशन किया है, उसकी संख्या आज का उत्तर है। साथियों आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।